सीतापुर में आज दिन दहाड़े पार्श इलाके में फायरिंग की संदिग्ध घटना से हड़कंप मच गया। पीड़ित द्वारा फायरिंग की सूचना से पुलिस कई घंटों तक हलकान रही। पीड़ित का कहना है कि कुछ दबंगों ने उसके घर के सामने आकर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया और पीड़ित द्वारा मौके पर पड़े दो कारतूस के खोखे भी पुलिस को दिखाए। मामला कुछ नहीं है, ये फालतू की लड़ाई करना चाहते हैं। उसमें मानस शुक्ला और चिंगू मिश्रा और सहजादे और फागद्दी, ये चार लोग आए थे और उसमें मानस शुक्ला ने फायर की, बाकी सब भाग गए। कितने राउंड फायरिंग? चार। क्या कारण था, क्यों फायरिंग? फर्जी लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं। कितनी गोलियां चली? चार राउंड। आपका नाम? सौरभ सिंह। हम तीन चार लोग खड़े हुए थे और अचानक एक गाड़ी रुकी यहाँ पे, उसमें कुछ लड़के उतरे और फायरिंग कर दी। पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना कोतवाली देहात इलाके के रामकृष्णपुरी कॉलोनी की है। यहां आज शाम बाइक सवार कुछ दबंगों द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। यहां के निवासी पीड़ित उदयवीर सिंह का कहना है कि वह अपने दोस्तों के संग कमरे में थे कि इसी दौरान इनके मकान के सामने बाइक सवार कुछ दबंगों ने ताबड़तोड़ चार राउंड फायरिंग की और मौके से भाग निकले। पीड़ित का यह भी कहना है कि लोग दबंग किस्म के लोग हैं और कुछ दिन पूर्व ही इन कॉलोनी में फायरिंग करके दहशत फैला चुके हैं। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों से उनकी कोई दुश्मनी और रंजिश नहीं है। पीड़ित की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया और पीड़ित द्वारा दिए गए दो कारतूस के खोखों को कब्जे में ले लिया। पीड़ित का यह भी कहना है चार दबंगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाली देहात इंस्पेक्टर का कहना है कि पीड़ित ने इन आरोपियों को नामजद किया है, उन्हीं से इनकी पुरानी रंजिश है। पुलिस का यह भी कहना है कि पूछताछ के दौरान कॉलोनी में किसी ने फायर होने की आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए घटना संदेहपूर्ण प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जो तथ्य सामने निकल कर आएंगे उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर वाइज न्यूज़।